हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संचना। मैं स्वागत करती हूं आपका हमारे चैनल अव्युद अकेडमी में। अव्युद अकेडमी एक करियर कंसल्टेंसी होने के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है। तो आइए, आज मैं बात करने जा रही हूं गवर्नमेंट जॉब की, और जो वैकेंसी है वो है DMRC की, यानी कि मेट्रो की, और साथ ही जो है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट है, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 13 जनवरी है, और जो पोस्ट निकाली गई हैं वो है 1493। और चलिए, तो DMRC में जो एग्जीक्यूटिव की और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकाली गई हैं 2019 के तहत, तो यहाँ पे अलग अलग है एग्जीक्यूटिव कैटेगरी और नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में असिस्टेंट मैनेजर, सिविल ऑपरेशंस, ट्रैफिक, स्टोर्स, फाइनेंस, लीगल, ये सब आते हैं। और वहीं जो है नॉन एग्जीक्यूटिव में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सिविल, एनवायरनमेंट, स्टोर्स, फायर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रोग्राम, ये सब आते हैं। और इसमें जो पोस्ट निकाली गई हैं टोटल, उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो 2 साल के लिए वैलिड होगा, उसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स, ST, IT, सिविल, फाइनेंस आ जाएगा। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव की जो टोटल पोस्ट निकाली गई हैं वो है 60, और नॉन एग्जीक्यूटिव की यहाँ पे निकाली गई हैं 929 पोस्ट। वहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जो 2 ईयर्स का है उसमें 106 पोस्ट निकाली गई हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव की जो 2 साल की वैकेंसी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर, सिविल प्रोग्राम असिस्टेंट आएगा, उसकी 398 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। उसके तहत अगर मैं बताऊं एग्जीक्यूटिव की पोस्ट जो कि सिर्फ 60 निकाली गई है, उसमें पे स्केल होगा आपका 50,000 to 1,60,000। और साथ ही नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का जो होगा वो है 37,000 to 1,15,000। और वहीं साथ ही जो बीच में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल और फिल्टर की जो पोस्ट पे हैं उनके लिए 25,000 to 80,000। और वहीं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो है उनके लिए 50,000 to 1,60,000। और नॉन एग्जीक्यूटिव जो 2 ईयर्स के लिए हैं उनके लिए 37,000 to 1,15,000। सो फ्रेंड्स, अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ कैटेगरी वाइज दिल्ली मेट्रो नॉन इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट वैकेंसी 2019। तो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की 16 पोस्ट निकाली गई हैं, जिसको डिवाइड किया गया है SC, ST, OBC, EWS और UR की कैटेगरी में। वहीं आपको ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के बारे में पता चल जाएगा आप अगर इसके नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहीं तो आइए, अब मैं आगे बात करने जा रही हूँ फ्रेंड्स कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो असिस्टेंट मैनेजर का BA, BTech, और जो एज लिमिट है वो है 18 मिनिमम और मैक्सिमम 30। वहीं असिस्टेंट मैनेजर की RE02 में BEd BTech इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, और यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स हैं। और साथ ही असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशंस, अचीवमेंट, ट्रैफिक, इनकी अलग अलग है। इसमें BE और BTech होना आपका ज़रूरी है, साथ ही डिग्री हो आपकी आर्किटेक्चर की अगर आप आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, साथ ही डिप्लोमा भी होना ज़रूरी है। और जो एज लिमिट रहेगी वो है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 इयर्स। सो फ्रेंड्स, आइए ऐसे ही आपको अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। और अब मैं बात करने जा रही हूँ एप्लीकेशन फ़ी की। तो UR, OBC और EWS के लिए 500 है, साथ ही SC, ST और PWD और वुमेंस के लिए 250 है। और आप पे कर सकते हैं नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के थ्रू और चलान के थ्रू। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसकी जो सबमिशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो 14 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है, और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 13 जनवरी 2020। और एप्लीकेशन फ़ी जब आप सबमिट करेंगे उसकी भी लास्ट डेट है 30 जनवरी 2020। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।